अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी ये जो आज की वीडियो है, हाउ टू फ्रीज बनाना एट होम। आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में बनाना लेके आते हैं तो वो राइप हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इस टाइप के होते हैं। आप देख सकते हैं पहले से ही वो ऐसे हुए पड़े होते हैं, राइप हुए पड़े होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप स्मूथीज वगैरह के शौकीन हैं, अगर आप डाइट पे भी हैं, अगर आप ओट्स मील खाते हैं तो उसमें भी आप इनको मतलब यूज़ कर सकते हैं। Nice. सबसे पहले आपने करना क्या, आपने ऐसे एक ट्रे ले लेनी है, कोई भी ट्रे ले लें, फ्रिज वाली ट्रे ले लें, जो भी ले लें, मैं ये वाली ले रही हूँ। उसके ऊपर आपने करना क्या है कि एक ये बेकिंग शीट रख देनी है। बेकिंग शीट रखने के बाद आपने एक बनाना को जो है आपने उसका छिलका उतार लेना। छिलका उतार लेने के बाद आपने करना क्या है कि ये देख सकते हैं पहले से ही इतना ख़राब है कि Wait a minute. Who are you? मतलब ये ख़राब होने की हद तक है। इसे अगर मज़ीद ख़राब कर होने से बचाने के लिए ना, मैं हाफ़ जो है ये बनाना तोड़ लूँगी। हाफ जो मैं तोड़ के वो इस बेकिंग पेपर के ऊपर रख दूँगी, देख सकते हैं। तो एक और बनाना लेते हुए मैं उसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद मैंने करना क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी थोड़ा सा ख़राब है। ज़रूर आप कट भी कर सकते हैं, मैं हाथों से कर रही हूँ, आप कट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चूड़ी उठाना भूल गई हूँ। जब एक चीज़ हाथों से हो सकती है तो हम फिर क्यों उसको मसला कश्मीर बनाएं। तो ये देख सकते हैं आपने जो मैंने उसका जो थोड़ा सा ख़राब हिस्सा था ना, मैंने उसे निकाल दिया अंदर से कुछ इस तरीके का। मैं इसे यहाँ पर रख दूँगी, यहाँ पर रख दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस, हाथ की मदद से, छुरी की मदद से आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब कोशिश करने की आपस में चिपके ना, क्योंकि अगर ये चिपक गए तो फिर बाद में ये मसला करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वैसे मैं दो तीसरा बनाना ले रही हूँ, अब देख सकते हैं आप। ये पहला मेरा बनाना है जो यहाँ पे ठीक निकला है। तो अंदर से कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं कि ये भी ख़राब होने की आखिरी हद पे है अपना। A few moments later. मेरी पहले वाली बात को इग्नोर करें, जब मैंने कहा कि आप छुरी के बगैर कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे छुरी लेके आनी पड़ी है, क्योंकि मैं हाथ मेरे ख़राब हो रहे थे और बार बार चिपचिप हो रही थी ना, तो इसी वजह से मैं छुरी ले आई हूँ। तो कोशिश किया करें छुरी यूज़ कर लिया करें, ऐवें किसी की बातों पर बिलीव ना किया करें जब तक आप खुद ना कर लें। अब यहाँ पर मैं फिर से एक एक करके पील ऑफ करके फिर काट के छुरी से फिर से रख दूंगी। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल है? यहाँ पे मैं एक एक बनाना को पील ऑफ करके काट के बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अब ये जो है मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड लगा दी, क्योंकि आप सब बोर हो जाएंगे और आप फिर मुझे कहेंगे कि ये पता नहीं कौन पागल औरत पता नहीं कहाँ से आ गई है। One hour later. 6.5 hours later.
2,000 years later. मेरे ये जो बनाना है वो फ्रिज में रखने के लिए रेडी है। आप इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट रख दें, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको इजी लगे, तो आप उस तरीके से इसको कर लें। मैं अब ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे तब आके मैं आपको फ्रोज़न बनाना दिखाऊंगी कि आप आखिर वो बाद में कैसे दिखते हैं, हम फर्दर उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम बैक। तो ये जो मेरे बनाना है ना वो सारे फ्रीज़ हो चुके हैं, तो मैं ये इन मेरे पास रीयूजेबल बैग नहीं है तो इसी वजह से मैं पॉलीथीन बैग यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ये डबल कर लिए। ओके, अब यहाँ पे मैं सारे फ्रोज़न पीसेस को ना एक एक करके पॉलीथीन बैग में डाल लूँगी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने यही यूज़ कर लिया। तो सारे मैं एक एक करके यहाँ पे डाल लूँगी। आपने ये अब फ्रीज़ हो गए, आप इसे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूथीज़ में, शेक में, कॉफ़ी में, और यहाँ तक के आप ना इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। जिन लोगों को बनाना नहीं पसंद वो इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं, उनको बनाना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो बनाना को लाइक करने लग जाएंगे। काम कंप्लीट कर लिया, मैंने यहाँ पे अब सारे डाल लिए। अब ये मेरे रेडी हैं फ्रिज में रखने के लिए। अब मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा लेके, जैसे मैं एप्पल शेक बनाती हूँ तो उसके साथ ही मैं मतलब थोड़े से बनाना डालना चाहूँ तो मैं ये डाल दूँगी। तो अब ये मेरे रेडी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है ना, आपको क्या बताएं। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें जी, हम मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।